दोस्तों आपका स्वागत है के साथ। दूसरा, एडिटोरियल की की को समझने की कोशिश करते हैं और तीसरा एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर भी चर्चा करते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 15 जुलाई को आया है एडिटोरियल का शीर्षक है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और ये कहता है कि भारत के द्वारा जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा था अब उसमें से जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट भारत के हाथ से निकल गया है वो भारत के लिए नुकसान है और शायद चीन के लिए फायदा तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज तो एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर टू के साथ जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है बायोलिट्रल रिलेश के साथ जहाँ की इंडिया ईरान रिलेशन से ये जुड़ता है तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है तो सबसे पहले देखते हैं ईरान का मैप तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो कलर पोर्शन है इसमें ईरान दिखाया गया है और ईरान का जो लैंड बॉर्डर है ये सात देशों से लगता है तो शुरू करते हैं पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान आर्मेनिया तुर्की इराक तो ये सात देश हैं जो ईरान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान कैस्पियन सी के साथ भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर्सियन गल्फ हम देख सकते हैं और यहाँ है गल्फ ऑफ ओमान साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान में जो चाइना की मदद से पोर्ट डेवलप किया जा रहा है गदर है और चाबहार पोर्ट करीब करीब यहाँ है साथ ही जो ईरान का सबसे मेजर पोर्ट है वो है बंदर अब्बास और बंदर अब्बास स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है इसके नज़दीक है लेकिन ये डीप सी पोर्ट नहीं है और चाबहार पोर्ट ही ईरान का एकमात्र पोर्ट है जो कि ओशन से टच करता है ओशनिक पोर्ट है और इस मैप में हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ कांडला है भारत में और चाबहार तो इसकी जो दूरी है ये फाइव फिफ्टी माइल्स की है और इस रास्ते से पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है भारत के द्वारा अफगानिस्तान पहुँचने के लिए और बाकी सेंट्रल एशियन देशों तक पहुँचने के लिए और इस मैप में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट से भारत को किस तरीके से फ़ायदा होगा अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए तो चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में तो भारत अभी भी मौजूद है लेकिन जो रेल लाइन डेवलप होनी थी चाबहार से लेकर जहेदाम तक जो कि ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर में है ईरान की तरफ तो इस रेल लाइन के डेवलपमेंट में भारत का जो हिस्सा होना था वो अब ईरान कह रहा है कि भारत को उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है और भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा डिले किया गया है इस प्रोजेक्ट को और इसीलिए ईरान अब इसको खुद ही पूरा करेगा डॉलर 400 मिलियन की लागत पर जो कि ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से दिया जाएगा और इसके बैकड्रॉप में जो एक बात ध्यान रखने वाली है वो है कि हाल ही में ऐसी खबरें अखबारों में आई हैं कि ईरान और चाइना एक 25 साल का 400 बिलियन यूएस डॉलर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं शायद इस एग्रीमेंट की वजह से भी ईरान ने ऐसा कदम उठाया है और भारत की तरफ से जो डिले हुआ है उसका एक मेजर रीजन रहा है अमेरिकन सेंक्शन वैसे तो चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट को अमेरिकन सेंक्शन के बाहर रखा गया है क्योंकि इससे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में भी फायदा मिलता है जो कि एक लैंड कंट्री है और अभी जो सारा नेटों की सप्लाईज भी पाकिस्तान के द्वारा जाती है जिसको लेकर काफ़ी विवाद है तो अमेरिका भी चाहता है कि ये पोर्ट से एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बने अफगानिस्तान के लिए लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस में आने के बाद से यूएस की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव आया है और उसने एक रणनीति अपनाई है ईरान के लिए जो कि है मैक्सिमम प्रेशर कि इसके द्वारा जितना ज़्यादा प्रेशर ईरान पे डाला जा सकता है वो डाला जा रहा है सेंक्शंस के द्वारा और भी बाकी तरीकों से ताकि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मिसाइल्स प्रोग्राम है सब पर प्रतिबंध लगाए जबकि ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका की ये रणनीति काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है लेकिन फिलहाल अमेरिका के चीन के साथ विवाद और अमेरिका के ईरान के साथ विवाद ने चीन और ईरान को एक दूसरे के साथ ला के खड़ा कर दिया है और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो चार साल पहले यानी कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए थे एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन करने के लिए ईरान अफगानिस्तान और भारत के बीच में और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो रेलवे लाइन है चाबहार से जहेदान तक ये भारत की कंपनी इरकॉन को ईरानियन रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाना था लेकिन अमेरिकन सेंक्शन और बाकी सारी दिक्कतों के चलते इसपे इरकॉन के द्वारा काम नहीं हो सका और अब ईरान ने खुद ही काम करने का निर्णय ले लिया है जो कि भारत के लिए एक झटका है और ये जो रेलवे लाइन है ये 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है और जिसको अब ईरान 2022 तक पूरा करने का वादा कर रहा है तो ये था बेसिक बैकग्राउंड इस मसले के ऊपर अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स तो एडिटोरियल बताता है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना हमेशा से भारत के लिए एक रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण परियोजना रही है और इस परियोजना पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लेकिन उसके बाद से काफ़ी समय तक इस पे कोई डेवलपमेंट आगे नहीं हुआ और 2016 में ही जो ट्राई एग्रीमेंट भारत ईरान और अफगानिस्तान के बीच में साइन हुआ और उसके बाद से भारत ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में तेजी लाई और चाबहार पोर्ट की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है भारत के लिए क्योंकि इसके द्वारा भारत को कनेक्टिविटी का फायदा मिल सकता है एनर्जी सप्लाईज की आपूर्ति में फायदा मिल सकता है और व्यापार को बढ़ाने में भी फायदा मिल सकता है क्योंकि चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के द्वारा भारत की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हो जाएगी जो कि भारत के व्यापार और एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जबकि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश है जिसने भारत को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने में हमेशा बाधा पहुंचाई है और 2016 में जो तेहरान में एग्रीमेंट साइन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तो अशरफ टर्मिनल और पांच बर्थ विकसित करने तथा संचालित करने के लिए दस साल की लीज देने का प्रावधान था दूसरा चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि चाबहार फ्री ट्रेड जोन में भी भारत को एक्सेस देने का प्रावधान था और तीसरा था कि जो चाबहार से जहेदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का अवसर भी भारत की कंपनी को दिया जाएगा जो कि इरकॉन थी लेकिन अब ये मौका भारत की कंपनी इरकॉन से ले लिया गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले रहा है अमेरिकन सेंक्शन के डर की वजह से और अब ईरान ने यह फैसला किया है कि वो इस रेलवे लाइन को खुद ही बिछाएगा लेकिन अगर चाबहार पोर्ट की बात करें तो भारत ने वहाँ तेजी से काम किया है और 2018 में भारत ने वहाँ जो चाबहार पोर्ट के अंदर दो पोर्ट आते हैं उसमें से जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है उसको भारत ने टेक ओवर कर लिया है और उसके ऑपरेशन को भारत की कंपनी चला रही है और भारत ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए कार्गो भेजना भी शुरू कर दिया है 2018 से लेकिन अगर रेल लाइन की बात की जाए जो कि चाबहार को जाहे से जोड़ने वाली थी उसके सामने कई चुनौतियां थी तो इरकॉन ने इसके लिए 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत बताई थी लेकिन इसको शुरू नहीं कर पाए इसके पीछे एडिटोरियल ने कुछ कारण बताए हैं पहला कारण रहा है कि ईरान के द्वारा लगातार कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन किए गए दूसरा कारण रहा भारत के द्वारा परियोजना में विलम्ब और ये जो परियोजना में विलम्ब है ये भारत के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा देखा गया है कि भारत ने कई सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट कई सारे दूसरे देशों में भी शुरू किए हैं लेकिन उनके कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगा है और इसकी वजह से भारत को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है और भारत की एक इमेज बन गई है पूरे विश्व भर में कि भारत एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू तो करता है लेकिन उसको कंप्लीट समय से नहीं कर पाता है और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इस रेलवे लाइन को लेकर रहा है कि अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने का डर जबकि भारत को चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका से छूट मिली हुई है लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन और उपकरण वगैरह प्रोवाइड करती हैं वो सब अमेरिकी सेंक्शन से डरते हैं और इसी वजह से उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में और भारत भी अमेरिकी सेंक्शंस के दबाव के कारण इसमें पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं रहा और अंत में ईरान के पास कोई चारा नहीं बचा और ईरान ने पिछले सप्ताह चाबहार से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाली लाइन के लिए ट्रैक बिछाने की शुरुआत अपने आप कर दी है और इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का फैसला लिया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना का सपोर्ट भी साफ नजर आ रहा है जिसके साथ ईरान एक समझौता करने वाला है 400 बिलियन यूएस डॉलर का आगे एडिटोरियल बताता है कि भारत के लिए ये रेलवे लाइन का जाना एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है चाहे इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो क्योंकि न केवल भारत ने अमेरिकी दबाव के कारण अपने ऑयल इम्पोर्ट्स ईरान से बिल्कुल शून्य कर लिए हैं बल्कि इस परियोजना से भी पीछे हटने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी दबाव को देखा जा रहा है और इससे एक सवाल उठता है भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी के ऊपर कि भारत अपनी विदेश नीति में अमेरिकी दबाव को क्यों इतना महत्व दे रहा है और अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि आज की दुनिया में जहाँ कनेक्टिविटी को एक नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है वहां भारत का इस रेलवे लाइन से अलग होना एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि चीन को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाएगा और भारत को अब इस घटनाक्रम को काफी नजदीक से देखना चाहिए तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखते हैं तो ये एक पर्शियन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है चाहर का मतलब होता है चार और बाहर का मतलब होता है स्प्रिंग तो चाबहार का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ के पूरे साल भर स्प्रिंग का मौसम रहता है बसंत का मौसम रहता है और भारत के लिए चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है तो वहां हम कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं कि इससे भारत को ट्रेड में डिप्लोमेसी में और मिलिट्री टाइज को ईरान के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में सपोर्ट मिलेगा दूसरा ये भारत को बेहतर कनेक्टिविटी देगा अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान को बाईपास करने में तीसरा ये गेटवे की तरह काम करेगा भारत के लिए सेंट्रल एशियन देशों तक जाने के लिए और यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस तक भारत की पहुंच हो जाएगी अगर ये चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है और चौथा फैक्टर है कि ये गदर पोर्ट जो कि चाइना की हेल्प से पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है उसके काफ़ी पास है और इस वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए और गदर पोर्ट से इसकी जो दूरी है चाबहार पोर्ट की रोड से अगर देखी जाए तो 400 किलोमीटर से भी कम दूरी है और अगर सी की दूरी देखी जाए तो ये 100 किलोमीटर से भी कम है और चाबहार पोर्ट की लोकेशन है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में है और ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है और दिसंबर 2018 में भारत ने जो पोर्ट के ऑपरेशन हैं चाबहार पोर्ट के अंदर दो पोर्ट आते हैं उसमें से एक पोर्ट का ऑपरेशन भारत ने ले लिया है और इसको ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको प्रलिम्स में पूछी जा सकती है और चाबहार पोर्ट ईरान का केवल एकमात्र ओशियनिक पोर्ट है यानी कि जो ओशन से टच होता है और चाबहार पोर्ट के अंदर जो दो पोर्ट हैं उसमें से एक का नाम है शाहिद कलंतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहस्ती तो भारत जिस पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वो है शाहिद बेहस्ती और अंत में देखते हैं ट्राईलिटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 2016 का तो मई 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जिसमें ये कहा गया था कि चाबहार पोर्ट को एक रीजनल हब के रूप में यूज किया जाएगा सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इसी में यह बात भी की गई थी कि एक रेल लाइन बिछाई जाएगी चाबहार पोर्ट से जहेदान तक जो कि ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है और जिसके द्वारा एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट स्थापित हो सकेगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए और जो भारत की कंपनी है इरकॉन इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उसके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया था ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ जिसके द्वारा ये कहा गया था कि इर कौन ये रेलवे लाइन बिछाएगी चाबहार से जहेदान तक जो कि अब नहीं होगा क्योंकि ईरानियन रेल मिनिस्ट्री अपने आप ये बिछा रही है और चाबहार पोर्ट के द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं तीनों देशों के लिए क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा सेंट्रल एशियन देशों के साथ जो कि रिसोर्स रिच हैं तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं फिल्म और मेन्स में तो फिलिम्स में आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाबहार पोर्ट की लोकेशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए जो स्थानों के नाम आ रहे हैं जैसे कि जहेदान है जरांज है ग्वादार है बंदर अब्बास है तो इन सारे जगहों को आपको एटलस में ठीक से देख लेना चाहिए चाबहार पोर्ट में जो भारतीय कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका नाम क्या है वो एक ज्वाइंट वेंचर है दो भारतीय कंपनियों के बीच में तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए ट्राई एग्रीमेंट जो 2016 में साइन हुआ था भारत ईरान और अफगानिस्तान के बीच में उसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और जो ईरान की ज्वाइंट कॉम्प्रसिव प्लान ऑफ एक्शन डील साइन हुई थी P5 फाइव प्लस वन कंट्रीज के साथ जिससे अब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है 2018 में तो इस डील के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो यहाँ P5 तो जो परमानेंट फाइव मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो हैं और जो प्लस वन है वो है जर्मनी तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए अगर मेन्स की बात की जाए तो सवाल पूछा जा सकता है आपसे भारत ईरान संबंधों पर और अब जब ईरान ने एक तरफा फैसला किया है कि वो खुद ही ये रेलवे लाइन बिछाएगा तो इससे भारत ईरान संबंधों पर क्या असर पड़ेगा दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो चाइना ईरान पार्टनरशिप की बात हो रही है और अगर वो संभव हो जाता है तो उससे भारत के हित किस तरीके से प्रभावित होंगे और तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारत ईरान संबंध है उसमें यूएस फैक्टर क्या है और जो अमेरिकी सेंक्शन का दबाव है तो उससे भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है और ये भारत की विदेश नीति के लिए कितना अच्छा है या बुरा है तो इस तरीके के प्रश्न पे हमें तैयार होना चाहिए तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ धन्यवाद